आज आपका चैप्टर नंबर 12 एयर एंड वाटर समझेंगे। इसके लर्निंग ऑब्जेक्ट्स हैं टू अंडरस्टैंड द कंपोजिशन ऑफ एयर, टू एक्सप्लेन द प्रेजेंस एंड यूजेस ऑफ वेरियस गैसेस इन एयर, टू डिस्कस द वेरियस लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, टू डेमोंस्ट्रेट द प्रॉपर्टी ऑफ एयर थ्रू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, टू लिस्ट द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, टू एलेबोरेट अंडर द इम्प्यूरिटीज ऑफ वाटर, टू डिस्क्राइब द वेरियस मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। इसका मतलब है इस चैप्टर में हम एयर और वाटर के बारे में कंप्लीट नॉलेज गेन करेंगे। द एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर ऑन दिस प्लेनेट। हम लोग देखते हैं हमारे आसपास अर्थ पर एयर एंड वाटर का प्रेजेंस है, जो केवल हमारे ही अर्थ पर है और किसी दूसरे प्लेनेट पर नहीं है। दिस कंपोनेंट अलोंग विद द सनलाइट ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन द वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ प्लेनेट। इसमें हम देखते हैं कि इस एयर एंड वाटर की प्रेजेंस में और सनलाइट के साथ बहुत सारा चेंजेस हम लोग देखते हैं अपने आसपास, जो कि वेदर एंड क्लाइमेट में होता है। एयर, कीप अवर हैंड इन फ्रंट ऑफ योर फेस एंड ब्रीद इन डीपली। नाउ जेंटली ब्लो आउटवर्ड टूवर्ड योर फिंगर्स। हम लोग अपने फेस के सामने हाथ लाएंगे, फिर देखेंगे, डीपली ब्रीद करेंगे, सांस लेंगे और उसके बाद देखेंगे फिंगर्स पर। What do you feel? आप लोग क्या फील करेंगे? Does it feel cool and tingly? हम लोग देखेंगे यहाँ पे कुछ ठंडा ठंडा सा फील होता है। What do you felt blowing past on tips of your fingers? हम लोग अपने फिंगर के टिप्स पर क्या फील करते हैं? It commonly referred to as air. हम लोग एक एयर को फील करते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि हम लोग जब ब्रीथ करते हैं तो हवा अंदर जाती है और बाहर आती है आफ्टर ब्रीदिंग। एयर इज़ अ वन ऑफ द प्राइमरी थिंग दैट मेक लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ। एयर एक ऐसी प्राइमरी चीज़ है जिससे कि हमारी लाइफ पॉसिबल है इस अर्थ पर। इट इज़ अ सिनोनिम फॉर एटमॉस्फेयर। हम लोग एटमॉस्फेयर जो सुनते हैं, एटमॉस्फेयर वातावरण, ये इसका पर्यायवाची है, सिनोनिम है, मतलब इसको हम एटमॉस्फेयर भी कह देते हैं। द अर्थ अर्थ एटमोसफियर और एयर इज मेड अप ऑफ वेराइटीज ऑफ वेराइटी ऑफ गैसेस एंड अदर पार्टिकल्स। हम लोग देखते हैं जो हमारे आसपास एयर है हमारे अर्थ के एटमोसफियर पर, तो उसमें बहुत सारी गैसेस होती हैं, उनके पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इस पिक्चर में भी हम देख रहे हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन गैस। यहाँ पे नाइट्रोजन का परसेंटेज है 78.084, कार्बन डाइऑक्साइड 0.0350% एंड आर्गन इज 0.934%। ऑक्सीजन लेवल इज 20.947। मतलब ये एक एयर का कंपोजिशन है और इसमें ये डिफरेंट गैसेस का परसेंटेज है और साथ ही साथ इसमें और भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, स्मोक, वाटर वेपर, ये सारी चीज़ें मिक्स रहती हैं। मोस्ट ऑफ द प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम आर इवन सम ऑफ द मून्स हैव एटमॉस्फेयर। हाउएवर द एटमॉस्फेयर ऑफ दिस प्लेनेट एंड मून इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अर्थ। हम लोग देखते हैं जो हमारा सोलर सिस्टम है, यानी या साथ ही साथ हम ये देखते हैं मून, तो वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा होता है? वहाँ पर हमारे अर्थ जैसा नहीं है, बिल्कुल ही डिफरेंट है, क्योंकि हमारे अर्थ पर एयर भी है, वाटर भी है और एक लिमिट में सनलाइट भी आती है। द एटमॉस्फेयर ऑफ आवर प्लेनेट इज मेड अप ऑफ 3 प्राइमरी गैसेस। जैसा कि हमने इस स्ट्रक्चर में देख यहाँ पे देखा इस पिक्चर में कंपोजिशन ऑफ एयर, दीज गैसेज आर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन। इन एडिशन ऑफ
These three gases, there are traces of many other gases in the atmosphere. इसमें और भी गैसेस के ट्रेसेस होते हैं, मतलब थोड़ी थोड़ी मात्रा में और भी गैसेस मिक्स होती हैं, लेकिन मेनली ये चार गैस इम्पॉर्टेंट. एडिशनली देयर आर स्मॉल पार्टिकल और पर्टिकुलर फ्लोटिंग इन द एटमॉस्फेयर. इसमें और भी डिफरेंट तरह के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में इधर उधर मूव करते हैं, सच एज डस्ट, वाटर एज अ वाटर वेपर एंड पॉलन विच इज फ्रॉम प्लांट्स. एयर इज इनविजिबल, टेस्टलेस एंड सेंट फ्री, मतलब एयर हमें दिखाई भी नहीं देता, इसका टेस्ट भी नहीं होता, इसकी स्मेल भी नहीं होती है. मैनी फ्लोटिंग पार्टिकुलेट लाइक स्मोक, स्टीम, डस्ट, इट इज ई कॉज पॉल्यूशन इन द एटमोसफियर, मतलब ये जो पार्टिकल होते हैं ये इनकी वजह से ही पॉल्यूशन होता है, डस्ट की वजह से भी हो जाता है, स्मोक की, स्टीम, इन सब की वजह से पॉल्यूशन के चांसेस होते हैं. गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, हम लोगों ने ये देखा है नाइट्रोजन, अभी यहाँ पे हम लोगों ने देखा इसकी लिमिट एंड नेम. तो नाइट्रोजन का यूज़ क्या है, व्हेन प्लांट एंड एनिमल डिके एंड देयर बॉडीज आर बर्न विच एड नाइट्रोजन टू द एटमॉस्फेयर. हम लोग देखते हैं जब प्लांट और एनिमल डिके होते हैं और उनकी बॉडी जल जाती तो क्या होता है, नाइट्रोजन ऐड हो जाता है एटमॉस्फेयर में, क्योंकि उनकी बॉडी में नाइट्रोजन का लेवल होता है जो कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ में होता है. दिस गैस इज ऑल्सो एडेड थ्रू वॉल्केनिक इरप्शन. हम लोग देखते हैं जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है, ज्वालामुखी होता है, तब भी ये गैस होती है, उसमें भी रहती है. और द डिके ऑफ सम टाइप ऑफ नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल, जो कि और भी नॉन ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं उनसे भी हमें उनके डिके के बाद भी ये मिलती है. बाय नाइट्रोजन इज कॉन्स्टेंटली बींग एडेड टू द एटमोसफेयर. हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं नाइट्रोजन किस किस तरह से एटमोसफेयर में ऐड हो रहा है. इट इज़ ऑल्सो कॉन्टेंसली बींग रिमूव एंड क्लीज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. ये कंटिन्यू ही रिमूव भी होता है, क्लीन भी होता है एटमॉस्फेयर से. द स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज रिमूव्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कन्वर्ट द नाइट्रोजन इनटू यूजफुल नाइट्रोजिनस सब्सटेंस फॉर द प्लांट टू यूज़. हम लोग देखते हैं प्लांट सॉइल से नाइट्रोजन लेते हैं जो कि नाइट्रेट के फॉर्म में होता है, और जिससे कि इसका लेवल बराबर बना रहता है. और जो पल्सेस होती हैं उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है. नाइट्रोजन साइकिल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट. रेन एंड स्नो ऑल्सो वॉश नाइट्रोजन आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर. रेन और स्नो की हेल्प से भी नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से बाहर हो जाती है. एन अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन बीइंग एडेड टू द एटमॉस्फेयर एंड अमाउंट बीइंग रिमूव आर परफेक्टली बैलेंस्ड, देयर बाय इंश्योरिंग दैट द टोटल अमाउंट रिमेन कॉन्स्टेंट. हम लोग ये देखते हैं ये इसका जो नाइट्रोजन साइकिल होता है जो कि हेल्प करता है कि नाइट्रोजन का लेवल मेंटेन रहे और एक कॉन्स्टेंट लेवल जो कि ये इतने परसेंट है इतना ही हमारे एयर में, हमारे एनवायरमेंट में एक लिमिट में रहे. ये बाकी के जो टॉपिक हैं ये हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे. अभी आप ये चैप्टर